दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। आज के दिन एक अच्छा हम लोग को मूव देखने मिल रहा है स्टॉक में, 4% ऊपर की तरफ आप है और करेंट प्राइस चल रहा है 397 रुपीज़ 50 पैसे के पास। तो इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हम लोग को ऊपर की तरफ क्या टारगेट देखने मिल सकता है, या फिर एक नीचे की तरफ फॉल आएगा तो कौन से लेवल से आ सकता है। नीचे की तरफ स्टॉक में सपोर्ट है 350 रुपये का लेवल। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से पहले से स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए 350 रुपये के पास। और ऐसे भी देखेंगे तो बहुत टाइम से स्टॉक अराउंड हम लोग को एक साइडवेज रेंज में ट्रेड करते दिख रहा था। तो अगर आज के दिन 400 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग करता है, स्टॉक ट्राई करेगा 500 रुपीज़ तक का टारगेट, नेक्स्ट टारगेट रीच करने का। फिर दूसरा टारगेट होगा 600 रुपीज़ से ज़्यादा तक का। तो यहाँ से अराउंड अराउंड हम लोग ऊपर की तरफ 50% से ज़्यादा तक का टारगेट ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किसी ने बाय करके रखा है, होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस आएंगे 350 रुपये के पास। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।